So now we will read the next chapter, numerical methods. तो numerical methods रे हमें first पढ़ी बा algebraic equation. तो मैं तुम्हें गोटे note रूप पढ़े दूँगी क्योंकि वोट theory अच्छे लिखे कि time waste करके किसी लाभ नहीं. So theory through लिखी ना वो first मैं बुझे दूँगी. देखो first हमें लिखा है जी concept of algebra and transcendental equation. तो हमें first पूछी बा जो what is algebraic equation and what is transcendental equation. तो फास्ट लिखा जाए अलजेब्रिक इक्वेशन. तो देखिए देखो एन इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो इट्स सेड टू बी अलजेब्रिक इक्वेशन इफ एफ ऑफ एक्स इज ए प्योरली पॉलिनोमियल. तो जदि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो जदि गोटे पॉलिनोमियल हो कहिबा अलजेब्रिक इक्वेशन. फॉर एग्जांपल एक्स क्यू माइनस एट एक्स प्लस नाइन इक्वल टू जीरो एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस फोर इक्वल टू जीरो. तो जदि गोटे पॉलिनोमियल सेटा को आम कौन कह इक्वेशन. तो इक्वेशन जाच इक्वेशन कौन थी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड थी से फॉर्म्रे आम अच्छी तो अल्जेब्रिक इक्वेशन कहुजा. नेक्स्ट पढ़ा आम ट्रांसकेंडेंटल इक्वेशन. तो देखाई कौन एन इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी ट्रांसकेंडेंटल इक्वेशन इफ इफ एफ ऑफ एक्स इज ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन लॉगरिथमिक फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन. तो गोटे फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो सॉरी गोटे इक्वेशन को आम के ट्रांसकेंडेंटल कहवा जदि से एफ ऑफ एक्सटा आइदर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो लॉगरिथमिक फंक्शन हो कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन एटसेट्रा. तो यही टाइप्र फंक्शन को लेकिन जो गोटे इक्वेशन याटा को आम कह ट्रांसकेंडेंटल इक्वेशन. तो देखो फर्स्ट दुटा एग्जांपल दि जाए फर्स्ट एग्जांपल लिखा जाए एक्स ई टू द पावर एक्स इक्वल टू लॉग एक्स. सो दिस इज एन ट्रांसकेंडेंटल इक्वेशन. नेक्स्ट लिखा जाए एक्स लॉग एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स. तो यहाँ है दुटा आम बुझे अलजेब्रिक इक्वेशन क्या कहुए ट्रांसकेंडेंटल इक्वेशन क्या कहुए. तो तुम्हें डिफरेंस देखो अलजेब्रिक इक्वेशन और ट्रांसकेंडेंटल इक्वेशन भेतर कौन रही है. तो ये चैप्टर में आम पढ़ा जे केमी आम अलजेब्रिक इक्वेशन हो कि ट्रांसकेंडेंटल इक्वेशन हो तार रूट केमी बाहर करवा. तो रूट आम अलरेडी पढ़ी सारे केमी आम बाहर करूँ जो फैक्टोरियल करो जो माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अंडर रूट बाय टू ए से फर्मुला सब पढ़ी सारे आम अलरेडी. तो ये गोटे आम अलग मेथड में पढ़ा. सो बहुत सारा मेथड अच्छे बट आम तुम सब्जेक्ट मैंने सिलेबस को फॉलो करके पढ़ा दुटा मेथड अच्छे गोटे हूँ बाइसेक्शन मेथड आ गए है न्यूटन रैप्सन मेथड. तो फास्ट आम पढ़ा बाइसेक्शन मेथड. तो व्हाट इज बाइसेक्शन मेथड. सो बाइसेक्शन मेथड मीन्स लिखा जाए दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी. तो कौन लिखा जाए दिस मेथड इज बेस्ड ऑन. तो यही मेथडटा क्या बेस करके रिपीटेड एप्लीकेशन. तो गोटे रिपीटेड एप्लीकेशन जो गोटे एप्लीकेशन हम ताको रिपीटेशन. तो गोटे एप्लीकेशन को आम जहाँ भी करवा रिपीटेशन ये हम आउ इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी कौन. तो देख ये जो गोटे कर्व ग्राफ आमर हो तो ये ग्राफ्टा कौन वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. ये वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स रो ग्राफ. तो ये ग्राफ्टा देख कौन लिखा जाए इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी है ये ग्राफ्टा कौन कर एक्स एक्सिस को ये कट कर पॉइंट रे आउ ये जो आम बाइसेक्शन मेथड में पढ़ा यहीटा है तरह रूट है. तो ये रूटा क्या भितर रोटे नेगेटिव आ गए पॉजिटिव फंक्शन भितर रहा फंक्शन से जो इक्वेशन आम जहाँ भी देव तार पॉजिटिव वैल्यू आ गए नेगेटिव वैल्यू भितर रो. सो यटा को कहुए इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी. तो यहाँ ताऊपर बेस करके देख बाइसेक्शन मेथड कौन लिखा जाए लेट एफ ऑफ एक्स बी ए कंटिन्यूस बिटवीन ए एंड बी. तो कंटिन्यूस क्या भितर एफ ऑफ एक्सटा ए आउ बी भितर कहीं लेट एफ ऑफ ए बी नेगेटिव एंड एफ ऑफ बी भी पॉजिटिव. तो एफ ऑफ ए जो फंक्शनटा आम पाइबा सेटा हला नेगेटिव आउ एफ ऑफ बीटा हला पॉजिटिव. देन द फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन ऑफ द रूट इज. तो आम ये गोटे बाहर करवा सब अप्रोक्सीमेशन. तो कौन लिखा जाए तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन ऑफ द रूट इज एक्स वन इक्वल टू ए प्लस बी बाय टू. तो आम फास्ट एम गोटे गोटे वैल्यू पुट करके जा तो प्रॉब्लम कला बेल तुम्हें भलसे बुझीपार बट ए कहूँ धर एफ ऑफ एक्स गोटे फंक्शन दी फास्ट आम कौन करवा एक्स जगह जीरो पुट कर एफ ऑफ जीरो वैल्यू बाहर करवा वन रैल्यू बाहर करवा एफ ऑफ वन एमती सीरीयली बाहर करवा बट गोटे नेगेटिव आ गए पजिट पाइबा पर्यटन. जदि गोटे नेगेटिव आ पजिट पाइले आम रूटा सब भितर रार भितर हिं आम फास्ट अप्रोक्सीमेशन बाहर. अप्रोक्सीमेशन केमती बाहर एक्स वन इक्वल टू ए प्लस बी बै टू. आज जब इफ एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू जीरो हो जाए आम तापर बाहर करवा कौन एक्स वन बाहर कर सारापर एफ ऑफ एक्स वन वैल्यू जहाँ पाइबा इक्वेशन में पुट करवा. तो तापर लिखा जाए इफ एक्स वन इज द रूट ऑफ द इक्वेशन सॉरी एक्स वन इक्वल टू जीरो देन एक्स वन इज द रूट ऑफ द इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो. तो आम एम कौन बाइसेक्शन मेथड हो कि न्यूटन रैप्सन मेथड हो आम एम है रूट बाहर करवा.
जदि आमर एटी एफ ऑफ एक्स वन टा जीरो हो जाए तार वैल्यू ताले सेटा एक्स वन टा कौन हम एफ ऑफ एक्स रो रूट हम से प्रॉब्लम कम्प्लीट होपर लिखा जाए अदरवाइज द रूट लाइज बिटवीन ए एंड एक्स वन और एक्स वन एंड बी अकॉर्डिंग टू एफ ऑफ एक्स वन इज पॉजिटिव और नेगेटिव। तो जदि नाला ताले कौन देखा एफ ऑफ एक्स वन पॉजिटिव नेगेटिव हो देखा जदि पॉजिटिव होम नेगेटिव किए अच्छे आमर ए अच्छे एफ ऑफ ए तो ए आउ एक्स वन भितर रोहिबो रूट माने आउ गोटे एप्रोक्सीमेसन बाहर आउ जदि नेगेटिव बाहर ताले का सहित नबा आम बी सहित नबा कहीं बी एफ ऑफ बीटा कौन देछि पॉजिटिव देछि तो प्रॉब्लम कला बेले तुमको डिटेल्ड जना पड़ो। तो देख लिखा जाए देन वी बाइसेक्ट तो इंटरवल एज बिफोर तो सेमती आम बाइसेक्ट बाइसेक्ट मैंने कौन जो एक्स वन बाहर करते फास्ट एप्रोक्सीमेसन से भाला बाहर करवा सेकेंड एप्रोक्सीमेसन थर्ड एप्रोक्सीमेसन एंड कंटिन्यू द प्रोसेस अंटिल द रूट इज फाउंड अकॉर्डिंग। तो आम रूट न पाइला पर्यंत आम ये प्रोसेसटा कंटिन्यू करवा। तो रूट केत जाना तो आम क्वेश्चन थाए ये टाइप रोटे इक्वेशन दे थो फाइंड द रूट अफ द इक्वेसन जहाँ भी देव बाइसेक्शन मेथड अप टू करेक्ट अप टू टू डेसिमल प्लेस करेक्ट अप टू थ्री डेसिमल प्लेस करेक्ट अप टू फोर डेसिमल प्लेस। तो टू डेसिमल थ्री डेसिमल फोर डेसिमल प्लेस मैंने कौन जो तुम दशमिक पर दुटा नंबर सामान आसला पर्यटन बाहर कर जब थ्री डेसिमल देखे तीन टा नंबर सामान थी पर्यटन बाहर कर जब फोर डेसिमल देखो चार्टा सामान सामान मैंने कौन जे गोटे एप्रोक्सीमेसन सहित तापर एप्रोक्सीमेसन सामान पर्यटन बाहर कर दुटा कि तीन टा कि चार्टा नंबर एमती सामान पर्यटन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बाहर कर। तो ये आम गोटे प्रॉब्लम करवा आमर फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे फाइंड ए रूट ऑफ द इक्वेशन यूजिंग बाइसेक्शन मेथड करेक्ट अप टू टू डेसिमल प्लेसेस व्हिच लाइज बिटवीन टू एंड थ्री। तो कौन देखिए इक्वेशन देर के एक्स क्यू माइनस फाइव एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो यहाँ कौन आम एफ ऑफ एक्स आठ आम देखिए रूटा क्या भितर रोक टू आउ थ्री भितर रोक तो सही आम बाहर करार कि आवश्यकता ना। तो देख मु कौन कली फास्ट एफ ऑफ टू रैल्यू बाहर कली एक्स जगार टू पुट कर तो कैसे टू र्यू माइनस फाइव इंटु टू प्लस वन तार भैल्यू बाहर के माइनस वन जोटा कि लेस देन जीरो। नेक्स्ट मुझ बाहर कली एफ ऑफ थ्री रैल्यू सेमती एक्स जगार थ्री पुट कली के आसा थर्टिन ग्रेटर देन जीरो। तो देख गोटे लेस देन जीरो गोटे ग्रेटर देन जीरो तो ओब्वियसली रूटा ता भितर रोक तो लिखिली अत एफ ऑफ टू इंटु एफ ऑफ थ्री लेस देन जीरो कहीं गोटे नेगेटिव गोटे पॉजिटिव ताको मल्टीप्लाई वैल्यू कले वैल्यू कौन हम लेस देन जीरो हम। तो लिखिली सो द रूट लाइज बिटवीन टू एंड थ्री तो रूटा तार भितर रहा लिखिली कौन फास्ट एप्रोक्सीमेसन टू द रूट इज। तो फास्ट एप्रोक्सीमेसन आम कौन हम एक्स वन इक्वाल टू तो रूटा जहाँ जहाँ भितर रहा क्या भितर रहा टू आउ थ्री भितर तो एक्स वन इक्वाल टू टू प्लस थ्री बै टू। तो आम कौन कले बाइसेक्ट कले फाइव बै टू जो कैसे बाहर टू पॉइंट फाइव तो एक्स वन रैल्यू आमर आसा टू पॉइंट फाइव तापर आम बाहर करवा एफ ऑफ एक्स वन। तो एफ ऑफ एक्स वन केमी बाहर करवा जो आम एफ ऑफ एक्स वन मीनस एफ ऑफ टू पॉइंट फाइव तो एक्स जगार जो इक्वेशन थी आम एफ ऑफ एक्स एक्स क्यू माइनस फाइव एक्स प्लस वन इक्वाल टू जीरो तो एक्स वन जगार पुट कर दि टू पॉइंट फाइव तो कैसे हम एक्स क्यू मीनस टू पॉइंट फाइव र्यू माइनस फाइव इंटू टू पॉइंट वन टू पॉइंट फाइव प्लस वन तो आम रेजल्ट कैसे आसा फोर पॉइंट वन टू फाइव जोटा कौन गोटे पॉजिटिव नंबर तो ग्रेटर देन जीरो। तो देख एटा पॉजिटिव ता पूर्व नेगेटिव कौटा था एफ ऑफ टू रैल्यू बाहर था माइनस वन लेस देन जीरो सो एफ ऑफ टू इंटु एफ ऑफ टू पॉइंट फाइव लेस देन जीरो कहीं एटा पॉजिटिव सेटा था नेगेटिव सो द रूट लाइज बिटवीन टू एंड टू पॉइंट फाइव। तो सेकेंड एप्रोक्सीमेसन बाहर करवा सेकेंड एप्रोक्सीमेसन क्या भितर रोक टू आउ टू पॉइंट फाइव भितर तो एक्स टू इक्वाल टू टू प्लस टू पॉइंट फाइव बै टू तो फोर पॉइंट फाइव बै टू आंसर आम के आसा सेकेंड एप्रोक्सीमेसन और एक्स टू आसा टू पॉइंट टू फाइव। तो ये बाहर करवा आम एफ ऑफ एक्स टू मीनस एफ ऑफ टू पॉइंट फाइव सेमती इक्वेशन एक्स जगार टू पॉइंट टू फाइव पुट कर तो मैंने आंसर के आसा पुट कला वन पॉइंट वन फोर जीरो सिक्स टू फाइव हुई इज ग्रेटर देन जीरो। तो यहाँ आम कौन आसा जीरो रु ग्रेटर देन बड़ अच्छी तो यहाँ पॉजिटिव या पूर्व आम नेगेटिव कौन थी देख या पूर्व नंबरटा भी पॉजिटिव थी तो यहाँ हमने ता पूर्व आम कौन पॉजिटिव थी जो एफ ऑफ टू टा माइनस वन सेटा थी आम पॉजिटिव तो रूट क्या भितर रे एफ ऑफ टू इंटु एफ ऑफ टू पॉइंट टू फाइव लेस देन जीरो सो द रूट लाइज बिटवीन टू एंड टू पॉइंट टू फाइव तो टू आउ टू पॉइंट फाइव टू टू फाइव भितर रोक तो थर्ड अप्रोक्सीमेसनटा भितर आम बाहर करवा थर्ड अप्रोक्सीमेसन देख एक्स थ्री इक्वाल टू टू प्लस टू पॉइंट टू फाइव बै टू तो कैसे आसा टू पॉइंट वन टू फाइव
तो एफ ऑफ एक्स थ्री बाहर करवा एफ ऑफ एक्स थ्री के आसला एफ ऑफ 2.125 इक्वेशन ने एक्स जगह 2.125 पुट कर तो आंसर आसला आम माइनस रे तो कैलकुलेटर जो साइंटिफिक कैलकुलेटर से वैल्यू बाहर कर तो कैसे आसला आम माइनस 0.029296877 जोटा कौन लेस देन जीरो तो देख ये नेगेटिव आसला या पूर्व पॉजिटिव आम कौटा थी आमर थी पजिट एफ ऑफ 2.25 वैल्यू पॉजिटिव थिला तो ता भितर रहा सब देखो ता पूर्व पॉजिटिव कोटा ना ता पूर्व नेगेटिव कोटा जदि पॉजिटिव बाहर थी तेल ता पूर्व नेगेटिव को खोज आ जब नेगेटिव बाहर थी एफ ऑफ समथिंग वैल्यू तेल ता पूर्व नेगेटिव को खोज सब अपोजिट साइन भितर ही अप्रोक्सीमेशन टा रही है तो देखिले सो द रियल रूट लाइज बिटवीन 2.25 एंड 2.125 सो द फोर्थ अप्रोक्सीमेशन टू द रूट इज कौन हम एक्स फोर इक्वाल टू 2.25 प्लस 2.125 बाई टू तो यहाँ कैसे हम 4.375 बाई टू तो कैसे आसला 2.1875 आसला तेब आम बाहर कर एफ ऑफ एक्स फोर मीनस के 2.1875 से वैल्यू पुट कर दिए इक्वेशन तो यहाँ भी देख आसला 0 point something मीनस ग्रेटर देन जीरो तो ता पूर्व नेगेटिव कौटा था 2.125 वैल्यू था नेगेटिव चेक कर तो ये रूटा क्या भितर रहा भितर रहा 2.125 आ 2.1875 कहीं 2.125 वैल्यू के एफ ऑफ 2.125 वैल्यू नेगेटिव अच्छे 2.187 जो एफ ऑफ 2.1875 वैल्यू नेगेटिव अच्छे सो द फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन टू द रूट इज के आसला 2.125 प्लस 2.1875 बाय 2 तो कैसे आसला 4.3125 बाय 2 जो के एक्स फाइव आसला 2.15625 तो एफ ऑफ एक्स फाइव वैल्यू आम बाहर कलु तो कैसे आसला 0.244049072 हो ग्रेटर देन जीरो सो ता पूर्व नेगेटिव नंबर आम कौटा अच्छे 2.125 वैल्यू थी नेगेटिव तो सिक्स अप्रोक्सीमेशन ता भितर रोज 2.125 एंड 2.15625 तो प्रोसीड्योर मुझे जमी लिखुची सेमती लिख तो ये प्रॉब्लम बहुत इजी बट टिके लेंदी सो तुम्हें मेन हूँ कैलकुलेशन भूल करनी फर्स्ट ऑफ ऑल सेकंड हूँ तुम्हें देखो टिके कॉन्शियस है कि कौटा पॉजिटिव कौटा नेगेटिव आस तो सिक्स अप्रोक्सीमेशन बाहर कले सिक्स अप्रोक्सीमेशन के आसला 2.125 प्लस 2.15625 बाय 2 ये के आसला 2.140625 तो देख एफ ऑफ एक्स सिक्स वैल्यू बाहर कले तो सी भी पॉजिटिव आसला तो ता पूर्व नेगेटिव कौन थी एफ ऑफ 2.125 तो देख नेक्स्ट आम कौन लिखले सो द रूट लाइज बिटवीन यहाँ पॉजिटिव 2.125 नेगेटिव 2.140625 पॉजिटिव तो यहाँ ता भितर रही है नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन सेवेन्थ अप्रोक्सीमेशन के आम जे दुटा को आड करके 2 डिवाइड कले तो पाइले 2.1328125 तुम एफ ऑफ एक्स सेवेन वैल्यू बाहर करो तो कैसे आसला पॉजिटिव आसला तो देख कैलकुलेट कर आसला पॉजिटिव तो तापर एटा जेहतु पॉजिटिव ता पूर्व नेगेटिव कोटा एफ ऑफ 2.125 तो रूटा ता भितर रोइबो तो एट अप्रोक्सीमेशन बाहर कले एक्स एट इक्वल टू 2.125 2.1328125 बाय 2 तो कैसे आसला 2.1289065 तो एबे एफ ऑफ एक्स एट बाहर कले एफ ऑफ एक्स एट के आसला सी पॉजिटिव आसला तो रूटा क्या भितर रोज 2.125 आउ 2.1289065 पूर्व नेगेटिव भितर तो नाइन्थ अप्रोक्सीमेशन बाहर कले तो कैसे आसला टू एटा आसला 2.12 देख 2.12695319 तो मुझे ये कहीं देख लिखिली सो द रिजल्ट रूट इज 2.12 करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस कहीं लिखिली आमर क्वेश्चन थिला कौन जो करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तो मुझे भाव एत पर्यटन मुझे कंटिन्यू कली ये कहीं प्रॉब्लम फिनिश कली कहीं देख एटि अच्छे 2.12 डेसिमल पर एटि 12 अच्छी एटि डेसिमल पर 12 अच्छी तो जिते बड़े एट जहाँ भी एक्स एट रे थाउ एक्स नाइन रे थाउ एक्स 12 जो भी था जिते बड़े डेसिमल पर क्वेश्चन अनुसार दुटा कि तीन टा नंबर जब अप टू 2 डेसिमल दे थोड़ा डेसिमल पर दुटा नंबर सामान आसीगला तो सही प्रॉब्लम सर जदि डेसिमल पर क्वेश्चन अच्छे अप टू 3 डेसिमल प्लेस जब डेसिमल पर एटि तीन टा एटि डेसिमल पर तीन टा सामान आसो तो सही प्रॉब्लम कंप्लीट होमर तो एमती सब प्रोसेस फॉलो करिबो तो नेक्स्ट प्रॉब्लम आम आउ गोटे करवा नेक्स्ट क्लास रे तो फास्ट तुम्हें ए प्रॉब्लम टाको कंप्लीट करो।